लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 97 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में हेमा मालिनी, कनिमोझी, चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, दयानिधि मारन, राज बब्बर और तारिक अनवर जैसे बड़े नेताओं का भाग्य आज ईवीएम में कैद होगा। आज असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, मणिपुर की 1, उड़ीसा की 5, पांडिचेरी की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, नीलगिरी, शिवगंगा और चेन्नई सेंट्रल मुख्य हैं। डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि की बेटी और राज्यसभा सांसद कनिमोझी तूतीकोरिन से मैदान में है। शिवगंगा सीट पर मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का मुकाबला बीजेपी के एच राजा से है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा और अलीगढ़ पर मतदान होना है। बीजेपी के लिए मथुरा सीट पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी है। मुकाबला गठबंधन के रालोद प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह से है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के भाग्य का फैसला भी आज होना है। बात करें बिहार की तो बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर पिछले 22 साल से तारिक अनवर और निखिल चौधरी के बीच मुकाबला चंगी रहा है। घाटी में जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर और उधमपुर सीटों पर मतदान किया जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीपल कॉन्फ्रेंस के इरफान अंसारी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मोहसिन और बीजेपी के खादिल जहांगीर के बीच जंगी टक्कर देखने को मिलेगी। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।